सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले ओबीएस स्टूडियो के थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है। दोस्तों ओबीएस स्टूडियो टोटली फ्री है, इसमें आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता एंड ना ही वाटरमार्क शो होता है। अभी हम देखने वाले हैं कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिकॉर्डिंग की ऑप्शन को यूज करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है obsproject.com। तो आपके पास यहाँ पे थ्री ऑप्शन शो होगी, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं विंडोज पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप विंडोज पे क्लिक करोगे तो OBS डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने OBS स्टूडियो पे क्लिक कर रहे हैं एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। दोस्तों जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी यहाँ पे OBS स्टूडियो ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होगी, ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट फॉर स्ट्रीमिंग। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के लिए चूज कर रहा हूँ। दोस्तों आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेम्स को चूज करने की ऑप्शन शो हो रही है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक रखना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, अप्लाई सेटिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों लेफ्ट बॉर्डर पे यहाँ पे शो हो रहे हैं सीन्स, सोर्स, ऑडियो मिक्सर, सीन ट्रांसलेशन, कंट्रोल्स। तो सबसे पहले आपने सीन को ऐड करना है। आप रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट सीन क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रीमिंग के लिए डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो, जिसकी भी आपको जरूरत है आप उसी को उसी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है सीन टू। पहले यहाँ पे सीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अभी यहाँ पे मैं एक न्यू सीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो ऐड डुप्लीकेट कॉपी फिल्टर रीनेम रिमूव, आप यहाँ पे क्लिक करके सीन को रिमूव भी कर सकते हो। दोस्तों सीन को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे सीन फर्स्ट एंड रिकॉर्डिंग। जैसे आप सीन को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपने सोर्स को सेलेक्ट करना है, मीन्स आप सीन के अंडर स्क्रीन को शो करना चाहते हो या फिर वेबकैम को शो करना चाहते हो या फिर आप कोई अदर विंडोज को शो करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे सोर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है ऑडियो की। अगर आप ऑडियो साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपने ऑडियो को ऐड कर देना है। ऑडियो को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऑडियो को भी रीनेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ माइक्रोफोन, आप अपने अकॉर्डिंगली नेम्स राइट कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है कि आप माइक्रोफोन या फिर आप ऑडियो कहाँ से ऐड करना चाहते हो। जैसे माइक्रोफोन से, स्टीरियो मिक्स से, माइक्रोफोन ड्रॉइड कैम से। तो अभी यहाँ पे मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे एक सोर्स सेलेक्ट हो गया ऑडियो का। दोस्तों माइक्रोफोन ऐड हो गया, अभी हम और भी सोर्स ऐड करेंगे। उसके बाद ऑडियो की ऑप्शन आ रही है कि आप ऑडियो आउटपुट्स लैपटॉप से प्ले करके रिकॉर्ड करना चाहते हो। जैसे कोई वीडियो को प्ले करके रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपने ऑडियो आउटपुट पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे भी सोर्स सेलेक्ट होंगे, तो आपने सोर्स सेलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आप हेडफोन या स्पीकर को करना चाहते हो तो उसके बाद फिर से आपने ओके पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है फिर से ब्राउजर की, अगर आप ब्राउजर को ऐड करना चाहते हो, कलर सोर्स को, डिस्प्ले कैप्चर को। दोस्तों सबसे मेन है यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर। जैसे आप यहाँ डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। आप इसका नेम को चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं नेम राइट कर रहा हूँ स्क्रीन, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर मेथड शो हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप साथ में वेब कैमरा को ऑन करना चाहते हो तो आपने फिर से प्लस के साइन पे क्लिक करना है, आफ्टर दैट आपने वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने राइट करना है कैमरा, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो।
दोस्तों उसके बाद अपने कैमरा का सोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल कैमरा एडेड है तो आपने एक्सटर्नल कैमरा को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने इंटीग्रेटेड वेबकैम को सिलेक्ट करना है। अभी इंटीग्रेटेड वेबकैम ओपन हो गया है दोस्तों। वेबकैम सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैमरा भी ऐड हो गया दोस्तों। कैमरा ऐड करने के बाद आपने कैमरे के साइज को सिलेक्ट करना है। आप कैमरे के साइज को सिलेक्ट कर सकते हो एंड कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो जिस पोजीशन पे आप ड्रैग करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे मैं कैमरा को राइट टॉप पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सभी सोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी टाइम किसी भी सोर्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप कैमरा को यूज़ नहीं करना चाहते ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो कैमरा डिसेबल हो जाएगा। एंड अगर आप स्क्रीन को यूज़ नहीं करना चाहते स्क्रीन डिसेबल हो जाएगी। एंड अगर आप माइक्रोफोन को यूज़ नहीं करना चाहते तो माइक्रोफोन भी यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। अगर आप स्क्रीन के साइड को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपने सीन को सिलेक्ट करना है। जैसे सीन वन है, सीन वन में यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन है रिकॉर्डिंग का दोस्तों। रिकॉर्डिंग सीन को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे अभी यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं PPT ओपन कर रहा हूँ तो जैसे अभी यहाँ पे मैं थंबनेल्स को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप स्लाइड्स के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करना है या फिर आपने रीडिंग व्यू पे क्लिक करना है और साथ में आप अपने स्लाइड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप कैमरा को किसी टाइम डिसेबल करना चाहते हो तो आपने OBS को ओपन करना है एंड कैमरा को आप डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे कैमरा डिसेबल हो गया। एंड अगर आप कैमरा को अनेबल करना चाहते हो तो आपने फिर से OBS को सेलेक्ट करना है एंड कैमरा को अनेबल कर देना है। इसी टाइप से आप माइक्रोफोन को भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। एंड दोस्तों अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। फिर से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हो। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं सोर्स कि कहाँ पर रिकॉर्डिंग सेव हुई है या फिर आप रिकॉर्डिंग का सोर्स चेंज करना चाहते हो तो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आउटबोर्ड पे क्लिक करना है। आउटबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का पाथ शो हो जाएगा। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग का पाथ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग का पाथ को चेंज भी कर सकते हो सकते हो। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे मैं पाथ को ओपन करने वाला हूँ तो जैसे आप वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियो शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पे मैं इसे प्ले करके देख रहा हूँ। क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करना है या फिर आपने रीडिंग व्यू पे क्लिक करना है और साथ में आप अपने स्लाइड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अपने कैमरा की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग भी अपनी कैमरा की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अगर आप वेबकैम के साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी टाइम स्ट्रेच कर सकते हो। दोस्तों जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा कि OBS के थ्रू मीटिंग ऐप्स को कैसे स्ट्रीम करना है, कैसी एडवांस ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर आपकी किसी भी एजुकेशन ऐप की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिकमेंड कर अप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।